नेपाल की एक और एथलीट्स, या फिर ऐसे कहें कि नेपाल की एक और महिला जिसने एक और बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित कर दिया है, और ये कीर्तिमान जुड़ा हुआ है एशियन गेम्स के अंदर। उन्होंने अपना मेडल तो पक्का कर ही लिया है, जबकि एक सबसे बड़ी बात ये कि हिस्ट्री के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है और ऐसा करने वाली महिला भी बनी है। नमस्कार, मैं PM DNA सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वीडियो में कम्प्लीटली जानेंगे कि ऐसा करने वाली कौन महिला हैं, और इसके साथ साथ ये साल हम कह सकते हैं कि नेपाल की महिलाओं के नाम है, तो ये भी गलत नहीं होगा। सारी बातें करेंगे, वीडियो के अंत तक बने रहिए, और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप पूरा अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस साल महिलाओं का दबदबा पूरी तरह से दिखाई दे रहा है, चाहे तो वो वॉलीबॉल को ले लो जिसके अंदर फाइनलिस्ट या फिर रनर अप रहे थे, चाहे आप ओलंपिक ले लो जिसमें नेपाल ने आज तक कोई मेडल नहीं जीता था, आज ब्रॉन्ज मेडल जीता है पैरा ओलंपिक के अंदर, या फिर चाहे आप क्रिकेट ले लो जिसके अंदर भी महिलाओं ने पुरुषों से बढ़िया रिजल्ट दिए हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक और बड़ा अचीवमेंट जो कि अब कराटे के अंदर भी आ चुका है। जैसा कि हमें अवगत है, यहाँ पे चाइना के अंदर एशियन गेम्स चल रहे हैं। नेपाल की कोई भी टीम आज तक ऐसा नहीं कर पाई जो कि फाइनल में गई हो, या फिर ऐसे कहें कि कराटे के अंदर ऐसा रिकॉर्ड बनाया हो। कराटे के अंदर अभी जो नेपाल की महिला हैं वो फाइनल में हारी नहीं है, क्योंकि फाइनल मैच हुआ नहीं है जो कि आज होना है, लेकिन इससे पहले वो फाइनल में पहुंच गई, वो भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। नेपाल की महिला पहली बार ऐसा करने में कामयाब हुई है और सिल्वर मेडल उनका पक्का भी हो चुका है, तो ये एक हिस्ट्री रचती है। अब बात है गोल्ड की, क्या यहाँ पे ये मैच जीत कर वो गोल्ड दिलवाएंगी। मैं आपको बता दूं कि नेपाल की एरिका गुरुंग एशियाई सीनियर कराटे चैंपियनशिप के फाइनल में प्रवेश करने वाली पहली कराटे खिलाड़ी बन चुकी हैं, और वह यहाँ पे आज यानी कि 22 को कराटे का ये फाइनल मुकाबला खेलने वाली हैं। फाइनल के अंदर जो भी रिजल्ट आए, लेकिन इससे पहले भी हिस्ट्री क्रिएट हो चुकी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि हम हिस्ट्री को और बड़ा करना चाहेंगे। हमारी उम्मीदें इससे भी ज़्यादा की है, यानी कि हम सिल्वर पर टिके नहीं रह सकते, हम गोल्ड की तरफ निगाहें गड़ाए हुए हैं और गोल्ड को ला कर रहेंगे। एरिका गुरुंग के लिए मैं पहले से ही कामना करता हूँ कि वो किसी भी तरीके से इस फाइनल को उठाएं और फाइनल के अंदर गोल्ड मेडल को जीतकर कहीं न कहीं एक इतिहास जो रचा है उसको और बड़ा बनाने की कोशिश करें। सारे नेपाली भाई भी यही चाहते होंगे, नेपाल के लोग भी यही चाहते होंगे। आपके क्या विचार हैं इसके बारे में, अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, कोई नया अपडेट मिलता है फिर आपके सामने हाजिर होंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप पूरा अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।